वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आए हैं ब्रेक से वापस और डॉक्टर साहब के साथ बहुत ही मजे मजे की चिट चैट कर रहे हैं हम। तो मैं आपसे ये कह रही थी आके आजकल लोगों से एक मोहब्बत नहीं संभाली जाती, आपने दो दो मोहब्बतें भी की और फिर माशाल्लाह उन्हीं से शादी भी की, तो किस तरह? अशफाक अहमद का फलसफा ये है कि जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है। अच्छा, तो फिर उसमें जब हर चीज की बेस या बुनियाद मोहब्बत है, आपकी घरेलू जिंदगी, अज़दवाजी जिंदगी, फिर आपके बच्चे हों तो उनसे आपकी फैमिली इंटेग्रेशन, बिल्कुल, फिर पैशन आपका किसी चीज को अचीव करना, अपने मकसद को, अपनी मंजिल को, सियासी तौर पे, फलाही तौर पे, तो मेरे ख्याल में वही मोटिवेशन चाहिए होती है। तो एक तो अशफाक अहमद की बात मेरे ख्याल में शायद मैंने फॉलो की हो। हाँ। और दूसरी मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक मुहावरा था कि शादी के एक साल तक एक इंसान जो है वो शादी शुदा रहता है। अच्छा। और फिर एक साल के बाद वो शादी शुदा हो जाता है। तो फिर शायद ये होता हो कि फिर कोई गुंजाइश निकल आती हो, लेकिन ये बात सही है कि ये जिम्मेदारी वाली बात भी है। ये फिर आपको ओन करना, रिस्पेक्ट देना, किसी को अपनी लाइफ में शामिल करना, बिल्कुल, ये अहम बातें। इसके बगैर सिर्फ ये कोई हंसी मजाक नहीं, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहुत कुछ इस इंस्टीट्यूशन को भी हमें शादी शुदा के बाद शादी ज़दा तक का जो सफर है वो, लेकिन ये हमने अज़राए मज़ाक इनसे बेहतर और कोई भी नहीं जान सकता। अभी आपके दिल में कभी ख्याल आता है जब भी कहीं जाते हैं आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री, किसी को देख के ये ख्याल आता है यार काश ये मेरी बीवी होती? नहीं, मेरे ख्याल में एक मैच्योरिटी का प्रोसेस होता है ना आदमी, और उसकी जिंदगी में ठहराव आता है और उसे जिंदगी में जब एजिंग का एक प्रोसेस है, उसको रियलाइजेशन होती है, उसको बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है और कोई किताब लिखनी हो, क्या अचीव किया, क्या खोया, क्या पाया, शादीशुदा या शादी ज्यादा जिंदगी में क्या खोया क्या पाया, सियासी जद्दोजहद में क्या खोया क्या पाया, क्या कसक रह गई, क्या करना चाहते थे नहीं, जो एकम्प्लिश नहीं हुआ, ये सारी बातें होती। तो उसको फिर आदमी अब ट्रायल एंड एरर नहीं है, हर बार ट्राई तो नहीं कर सकते, हर बार ट्रायल एंड एरर, बिल्कुल, फिर उसको ठहर के उन सारी चीजों को समेट के किसी लोगों को कुछ देके जाना है, बिल्कुल। मेरे ख्याल में हम उस स्टेज में बात कर रहे हैं। अच्छा, कभी वो जिंदगी में हुआ कि नहीं कोई ऐसी चीज जो रह गई हो कि नहीं यार काश मैं ये ना करता, मैं वो कर लेता, कभी ऐसा कोई ख्याल आया? नहीं, ऐसा रिग्रेट कोई नहीं है। पॉलिटिक्स ही बेस्ट फील्ड थी, मतलब आपको बहुत पसंद है, आपका पैशन ये था ना कि लोगों में रहना, लोगों से राबता रखना, लोगों से इंटरेक्ट करना, उनके मसाइल सुनना और गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात करना, उनकी उम्मीद को कायम रखना, बिल्कुल, सिर्फ झूठे दावों पर नहीं बल्कि एक संजीदा कोशिश के साथ। फिर अगर अल्लाह की मर्जी है वो काम नहीं होना नहीं होगा, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ये मसला हल करें, मतलब आपकी नीयत साफ होनी चाहिए, नीयत पर मुराद होती है ऑब्वियसली। आपकी नीयत साफ है तो अल्लाह पाक मदद फरमा ही देता है। आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसा वाकया है जो आप कभी भूलते नहीं है, बहुत कोई यादगार वाकया हो? देखिए, एक मेयरशिप जब मुझे मिली तो मेयर के इलेक्शन तो नेक्स्ट डे था और फिर उसके बाद जो सेलिब्रेशन हुई और जिस तरह पूरा कराची सड़कों पे निकला हुआ था, जो जज्बा था, जो जुनून था लोगों का, और जो एक ये नई पार्टी थी उसको जिस तरह लोगों ने हाथों हाथ लिया था दिल से, तो वो एक बिल्कुल यादगार है ना। वो वक्त दोबारा आ सकेगा नहीं आ सकेगा, लेकिन उसके लिए बुनियाद तो कम से कम हम रखें, हमारे आने वालों को मौका दें कि वो भी एक ऐसा ही काफिला बने जिसमें उनके पास वाकई में इतनी एनर्जी हो कि वो तब्दीली ला सके। नहीं, हमारी आजकल की यंग जनरेशन बहुत एनर्जेटिक है, यूनाइट, ऑर्गेनाइज, मोबिलाइज, मुत्तहिद, मुनज्जम और मुतहरिक। अगर हम कर दें मुत्तहिद, मुनज्जम, मुतहरिक, तो समझ लेंगे स्काई इज द लिमिट, फिर वो पीछे मुड़ के देखने वाले, उनका IQ दुनिया के, यूरोप के, अमरीका के नौजवानों से, ऑस्ट्रेलिया, जापान के नौजवानों से हमारे बच्चों का IQ कम नहीं है। अच्छा, आपकी फेवरेट मूवी, आप किसकी मूवी ज्यादा देखते हैं, हॉलीवुड देखते हैं, बॉलीवुड या फिर लॉलीवुड देखते हैं?
मेरे ख्याल में अब तो तीनों ही आ गए हैं स्क्रीन पर, और सारे हॉलीवुड तो टॉप पे है, फिर बॉलीवुड भी अच्छी फिल्में बन रही हैं वहाँ, तो हमारे यहाँ भी अब बेहतर फिल्में बनने लगी हैं, तो ये रिवाइवल अच्छा है। पाकिस्तानी मूवीज देखते हैं बहुत कम, मेरी बेटियां जब अमेरिका से आती हैं वो उनको मामू ने वहीं उनके पाला, जो दो मामू, फिर वहीं से स्कूलिंग और ग्रेजुएशन, एक ने बड़ी ने पीएचडी कर ली, तो वो जब आती हैं तो उनके साथ हम निकलते हैं। अच्छा। चाहे अमेरिका में जाऊं तो वहां उनके साथ कोई इंग्लिश मूवी देखी या कोई इंडियन या कोई उर्दू, तो होमन जहां हमने देखी थी बेटियां जब आई थी, पाकिस्तानी अभी रिसेंटली, हां जी, शकर भंडारे हाँ उसका गाना बहुत फेमस हुआ था और आपको अभी भी याद है, गुनगुनाते हैं गाना, गुनगुनाते हैं? नहीं, मेरे ख्याल में वो, फिर मैं गुनगुनाता हूँ तो मैं अकेले ही गुनगुनाता हूँ, घर में गुनगुनाता हूँ, यानी आप बीबी बच्चों के सामने गुनगुना लेता। अच्छा, लेकिन ना मैं कहने लगी थी शायद आप बाथरूम सिंगर है, वो अक्सर लोग होते हैं ना जो बाथरूम में बहुत सिंगिंग करते हैं। अच्छा, अगर आपको मौका मिले किसी को डेट पे लेके जाने का, तो इन तीनों में से किसको लेके जाएंगे आप, मायरा खान, आयशा खान या फिर मैवी शेया? देखें, मेरे ख्याल में आपने तीन चॉइस दी, कोई और चॉइस देते तो मैं सोचता यानी कि तीनों को नहीं लेके जाना चाहेंगे, किसी को नहीं ले जाऊं। तो आप लोग सुन लें, आप तीनों में से किसी को डॉक्टर साहब डेट पर लेके जाना नहीं चाहते, आपकी फेवरेट प्लेस आउट ऑफ कंट्री या आउट ऑफ सिटी कौन सी है? आउट ऑफ सिटी तो कहाँ दिल करता है, जब टाइम होता है तो आप कहते हैं कि नहीं यार, इतने दिन की छुट्टी है, मैं सुकून से जाता हूँ वहाँ, छुट्टी मना के आता हूँ। पहली बात तो छुट्टी का, हॉलीडे का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है ही कम, जो हमारी ट्रेनिंग पॉलिटिकल हुई ना, मिडिल क्लास पार्टी अगर हो तो उसमें हॉलीडे का कॉन्सेप्ट। हाँ, मेरी जो हॉलीडेज है वो हर साल मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार अमरीका जरूर जाऊँ। अच्छा, बेटियों से मिलूँ, बच्चों के साथ, वो लोग आ जाती है, वो हमारा बेस्ट टाइम होता है। उसमें हम सुबह मुख्तलिफ कैफे में नाश्ता भी करते हैं, रात को साथ खाना भी कहीं खा लेते हैं, ज्यादा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बेहतरीन। आप अपने फारिग वक्त में फारिग औकात को किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, क्या करते हैं? मूवीज देखते हैं, म्यूजिक सुनते हैं या फिर दोस्तों के साथ? देखिए, ये वक्त रात को ही मिलता है ना। हाँ। दोस्तों के साथ दो तीन महीने में एक मरतबा बैठ के किसी से जिसकी थोड़ी अच्छी आवाज है गुनगुना लेता, गजलें सुन ली, और इसी तरह म्यूजिक, सारी हर किस्म की लाइट म्यूजिक, गजलें, अच्छे पुराने गीत, बहुत अच्छे वो सुन लेते हैं। तो रफी की मतलब एक आउट क्लास, एटलीस्ट मेरा ये गेस था कि शायद ये रफी को सुनते हैं। रफी वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स ना। पाकिस्तानी सिंगर्स में से कौन से सिंगर अच्छे लगते हैं? देखिए, अहमद रुश्दी का जमाना बहुत अच्छा था, लेकिन मेहदी हसन की क्लास अलग है। और फिर ज़ाहिर नूरजहां, वहाँ लता थी तो यहाँ नूरजहां थी। और अभी नए बच्चे भी सही आए, ये जो अली जफर हैं, आतिफ हैं, वो कौन से बग्गा साहब हैं, साहिर अली बग्गा साहब हैं, उनकी कंपोजिशन अच्छी है, उनके गाने अच्छे। फिर वो हमारे जो हैं, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, कैसे क्या हो। अच्छा, गाने, गानों के लिरिक्स आपको याद है लेकिन आप गुनगुनाते नहीं है? नहीं, गुनगुनाऊंगा नहीं, ये मुझे शेर बहुत काम आते हैं। अगर आप गुनगुनाएंगे मेरे शो में अपने, तो ये लोगों ने जब तोता चश्म हो गए वो, तो मुझे ये अशार बहुत ज्यादा याद आते हैं। अगर आप मेरे शो में गुनगुना देंगे तो पहले शो पे डॉक्टर साहब आगे गुनगुनाएंगे और वो मेरा शो का, अगर आप मेरे शो में गुनगुना दें तो। देखें, मेरे ख्याल में अगर आपको अपना शो फ्लॉप कराना है ठीक है, नहीं नहीं आप आए, मैं वैसे भी मेरा शो फ्लॉप बोर करना है तो ठीक है। गाना मुझे बहुत पसंद था, मैं उसको गुनगुना लेता था कि, और मैंने एक दो मॉर्निंग शो में तो खास हो पे ये वाला गाना मैंने गुनगुनाया भी है। ताक फिल्म है इंडिया की और राजेश खन्ना पे फिल्माया गया, किशोर कुमार ने गाया। हाँ। शर्मिला टैगोर, उनकी टैगोर जो है वो उनकी हीरोइन थी। हाँ। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं
बता दूं। फैंटास्टिक। और आप कहते हैं कि आपको गाना गाना नहीं आता, आप देख रही हैं भाभी कितना अच्छा गुनगुनाते हैं। बस तो इसको वायरल कर दें पॉलिटिक्स के अलावा। यानी आपने ये मेरे शो की रेटिंग के लिए किया। अगला सवाल, आप ये बताएं, जब सुबह आप उठते हैं तो नाश्ता करने से पहले आपकी क्या, मतलब वॉक करने के लिए जाते हैं या डायरेक्ट नाश्ते की टेबल पे बैठ जाते हैं? वॉक करने का टाइम नहीं मिलता आजकल, तो वैसे भी सबके जो है टाइमिंग्स बदल चुके हैं, इसीलिए डाइट पर ही जितना कंट्रोल कर सकते हैं। कोविड 19 का क्या असर हुआ है आप? कोविड 19 के बारे में क्या कहेंगे? जो कोविड 19 ने जो घर पे रहने का मौका दिया, उसमें एक तो अम्मी और बच्चों की अम्मी दोनों को टाइम देने का, माँ और बच्चों की माँ उनको टाइम देने का मौका मिला। दूसरा एक रिन्यूड कॉन्टैक्ट हुआ, जो मैं यूथ के साथ मैंने काम किया ना, ब्लड डोनेशन कलेक्शन कैंपेन, थैलेसीमिया पेशेंट के बहुत काम किया हमने, ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे ठीक करना उसमें यूथ के साथ, आईटी को कैसे प्रमोट करना, आगे एजुकेशन की एसओपीज बनाना, इकोनॉमी इंडस्ट्री उसकी एसओपीज में काम करना, तो उस पर काम किया, रिसर्च की, पढ़ा भी उसमें ज्यादा, और फिर थोड़ा सा रात को सर्फिंग का ज्यादा मौका मिला, पाकिस्तान की प्लेस भी देखे ना कुछ उस पे, वो मेरे पास तुम, मेरे पास तुम, तो ब्लॉकबस्टर ड्रामा जो अभी अभी मुझे वो इतना काम आया कि मैं अपने यूथ को ये कहता हूँ कि खलीलुर रहमान तो मायूसी वाली बातें करता है कि मेरा ये भरम था, मैं बच्चों से कहता हूँ जो मेरे सामने होते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी, मेरा ये भरम है मेरे पास तुम हो, बच्चे मोटिवेट होते हैं, बच्चे मोटिवेट होते और हैं, वो समझते हैं कि ये सक्सेशन एक ट्रांजिशन है कि अब हम अपनी जनरेशन से बच्चों को एक ईरा, एक जो हमने गलतियां की वो उसको ना दोहराए और कम गलतियां करके गोल्स को जल्दी अचीव करें, ये काम करने का, राशन की तकसीम हो और लोगों की कहीं मेडिकल एड, बड़ा उसमें काम किया 4 महीने, तो इसमें इतनी मेरी एंगेजमेंट रही है। अच्छा, मतलब प्रिवेंशन के साथ, एहतियात के साथ। अच्छा, कहीं कहीं बद एहतियाती होती, जब हम जाते हैं तो लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैनेज हो गई चीजें। यानी कि आपको लगता है कोविड 19 से भी एहतियात के लिए का, हर जगह जाके का मास्क लगाएं, एसओपीस का ख्याल करें, ईद पे अब ईद उल अजहा आएगी उस पे बिल्कुल सिर्फ बकरों को और गाय को ज़बह करना है, अपनी जिंदगियों को बचाना है, कोविड के आगे अपनी गर्दन नहीं देनी। कोविड 19 का जहाँ तक कुछ खतरा भी है, लेकिन फायदा भी बहुत हुआ है। जो लोग घर पे नहीं बैठते थे वो लोग घर पे बैठे हैं और उन्होंने घर वालों को टाइम दिया है बहुत अच्छे से, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। और इसी बात के साथ मैं अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ूंगी। मुझे बताएं, लॉन्ग ड्राइव पे जाना ज्यादा पसंद है या अब तो खैर डिनर बाहर नहीं होते, रेस्टोरेंट्स ओपन ही नहीं है, वाइफ का अगर मूड खराब हो तो उनको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएंगे या उनके साथ बैठ के डिनर करेंगे या उनको एक प्यारा सा स्माइली फेस देंगे और वो मान जाएंगे? ड्राइविंग मेरी शुरू से बहुत कमजोर रही। अच्छा, ड्राइव आप नहीं करते? मैं नहीं करता। अच्छा, या तो मेरे कोई साथी करते हैं, मेरे साथ होते हैं। अब शायद मेरी वाइफ अच्छी ड्राइव करती है। अच्छा, शायद अभी करती है तो वो ड्राइव कर सकती है। तो मतलब आप, वो आपको लेके जाती हैं, आप उनको नहीं लेके जाते? बनाधारे मुझे अपने साथियों के साथ निकलना, थोड़ी बहुत सिक्योरिटी, अभी तक जो अब हालात आगे और अच्छे होंगे तो फिर इंशाल्लाह उसकी जरूरत नहीं रहेगी, इंशाल्लाह। तो इस तरह है, तो लॉन्ग ड्राइव का मौका तो बहुत मुश्किल है कि मिले, लेकिन लॉन्ग वॉक मेरा पैशन है। अच्छा, मैं जब भी मौका मिलता है मैं वॉक करने की कोशिश करता हूँ, उसके लिए टाइम। कराची में मुश्किल होता है, अगर इस्लामाबाद जाऊँ तो वहाँ मुझे वॉक करने का टाइम मिल जाता है। इस्लामाबाद अच्छा लगता है आपको? इस्लामाबाद, मरी या लाहौर में भी इवन वॉक करने का, लोग वहाँ भी पहचानते हैं, लेकिन वहाँ मौका मिल जाता है। फिर जब अमेरिका गए या लंदन गए तो वहाँ तो मौका मिलता ही है, वहाँ तो आप लंबी वॉक पे निकल जाते हैं। अगर बस भी कहीं जा रही तो हम पैदल ही जाते हैं, हम कहते नहीं हम पैदल जाएंगे। तो ये मेरा पैशन है, लॉन्ग वॉक। लॉन्ग वॉक यानी कि आप लॉन्ग वॉक जो है वो तो खैर लॉन्ग ड्राइव तो आपकी वाइफ ही आपको करा देती है, और आप लॉन्ग वॉक ज्यादा पसंद करते हैं। लॉन्ग वॉक ज्यादा पसंद। डिनर और क्या, डिनर का क्या, थाई फूड अच्छा खाने में ज्यादा क्या पसंद? सी फूड, पाकिस्तानी फूड, सी फूड कोई भी हो, पाकिस्तानी भी चल रहा है। उसके बाद दाल चावल। अच्छा, एक तरफ मछली हो दूसरी तरफ दाल चावल,
अच्छा, मुझे आज तक नहीं ये समझ आई कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो जब दाल चावल खाते हैं तो एक साइड पे जैसे आपने बोला मछली रख लेते हैं, लेकिन वो दाल चावल के साथ मछली खाते कैसे हैं? मुझे आज तक इस बारे में समझ डाल के नहीं, मछली अलग से खाई, रोटी नहीं ली, और फिर दाल चावल खाए, दाल चावल में डाल के नहीं खाई। इट्स वेरी हार्ड, यू नो, मुझे आज तक, मैं खाली मछली भी खाती हूँ तो उसमें कांटा आता है। तो लोग भाई अभी नेक्स्ट टाइम कराची है ना, हम आपकी टीम से कह देंगे कि वो आपको मछली इधर रखे, दाल चावल नहीं। मुझे आज तक, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है यहाँ पे कराची में, वो एक साइड से दाल चावल खा रहे होते हैं, दूसरी साइड से तरह कबाब रखा, ड्राई कबाब, कबाब ऑब्वियसली कबाब में ना हड्डी होती है ना उसमें कांटा होता है, नहीं फिश ऐसे ना स्टीम की हुई है उसमें कांटा, बगैर कांटों वाली जो निकाल के आप, वो नहीं है वो बहुत कांटों वाली आप। अच्छा अच्छा, उसके अलावा बाहर के फूड में क्या पसंद है आपको? थाई फूड, मैंने कहा जिसमें सी फूड होता है मेनली, सी फूड तो कराची में भी, चिकन भी सही चल जाते हैं, और प्लेन राइस ठीक है, बॉयल चावल वो वाले नहीं जिसमें अड़गम शड़गम सब मिला के दिया हुआ है, वो तो चाइनीज चावल होते हैं जिसमें बहुत सारी सब्जियां, चाइनीज फ्राइड राइस, वो मुझे पसंद है। चाइनीज नहीं पसंद आपको? चाइनीज चीजें ठीक है, शाशिले ठीक है, या उसका सूप भी, चिकन कॉर्न सूप ठीक है, या वो जो एक स्पाइसी सूप होता है वो भी ठीक है। अच्छा, और थाई उसमें एक उनका सूप होता है, यौन कुछ उसका नाम है, वो ठीक है। अच्छा, थोड़ा स्पाइसी भी होता है। खुद कभी कुकिंग की घर में? सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। अच्छा, जब वाइफ को खुश करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चों को खास, क्या अच्छा, वो बड़ी कमांडिंग है मेरी, क्या अच्छा बना लेते हैं, मतलब अंडा ही बना सकते हो, ज्यादा क्या बनाएंगे, तो वो अंडा खा लेते हैं, स्क्रैम्बल हो चाहे ऑमलेट हो वो बना लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनका जोर होता है कि बर्तन लगाएं भी, उठाएं भी और धोएं भी उसे, क्योंकि कहते हैं हमारे अमेरिका में तो हस्बैंड एंड वाइफ इक्वली करते हैं, इक्वली, शौहर भी बर्तन धोता है, बर्तन उठाता भी है, यहाँ सरताज को इतना बड़ा वो बनाया हुआ है कि बीवी सारे काम करे और मियाँ जो है वो सिर्फ आराम करे। तो पाकिस्तान में तो होता है ये, शौहर बैठे होते हैं और बीवियां बेचारी काम करना चाहिए होती है। ठीक है, हमारे जो ऑक्यूपेशन है वो बहुत कमिटमेंट मांगता है, लेकिन फिर भी इस साइड को भी देखना चाहिए, यानी कि आप प्रेफर करते हैं कि आप वाइफ के साथ काम करना चाहिए, हालांकि मैं कर नहीं सकता लेकिन उसूलन करना चाहिए, यानी कि आप सिर्फ अंडा बना के खिलाते हैं अपने घर वालों को, मतलब वो कहते हैं आपका अंडा भी जो है वो हमारे लिए चरखे से कम नहीं है। शायरी से लगाव है आपको? गाने, आप गाना इतना अच्छा गाते हैं तो शायरी से भी लगाव होगा? शेर कह नहीं सकता, मैंने कभी शायरी खुद नहीं की, हाँ लेकिन अशार पसंद है, गजलें पसंद है, नज़में पसंद है, तो मैं बहुत से शोर हैं, गालिब हैं टॉप ऑफ द लाइन मेरे ख्याल में। अच्छा, उसके बाद फैज़ अहमद फैज़, बहुत अच्छे उनके अशार थे और अच्छी गजलें और नज़में बहुत अच्छी उन्होंने कही हैं। हबीब जालिब इनकलाबी शायर थे। कोई एक अच्छी सी नज़म हो रहा है? नज़म में तो उस्ताद काबिल अजमेरी की एक गज़ल है, और वो थोड़ा कराची वालों पे भी फिट आती है। अच्छा। उनका भी एक दुखड़ा है कि तजाद जज्बात में वो नाजुक, मकाम आया तो क्या करूँगे। अच्छा। तजाद जज्बात में वो नाजुक, मकाम आया तो क्या करोगे, मैं रो रहा हूँ तुम हंस रहे हो, मैं मुस्कुराया तो क्या करोगे, अभी तो तनखीद हो रही है मेरे मजाक के जुनू पे, लेकिन अभी तो तनखीद हो रही है मेरे मजाक के जुनू पे, लेकिन तुम्हारी जुल्फों की बरहमी का सवाल आया तो क्या करोगे, कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ मेरे लहू की बहार कब तक। ये कराची वाले कहते हैं इस्लामाबाद से हुक्मरानों से कि कुछ अपने दिल पर भी जख्म खाओ मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे, उतर तो सकते हो पार लेकिन माल पर भी निगाह रखना, उतर तो सकते हो पार लेकिन माल पर भी निगाह रखना, खुदा न करदा सुकून साहिल नाराज आया तो क्या करोगे, तुम्हारे जलवों की रोशनी में नजर की हैरानियां मुसल्लम, नजर के बदले अगर किसी ने दिल आजमाया तो क्या करो। वाह वाह, ये
सारी चीजें इसमें आ जाती। मतलब ये सारे जो पैगामात हैं वो कराची वाले जो हैं वो इस्लामाबाद वालों को दे रहे हैं इनडायरेक्टली। ये एक ऐसा मैसेज था कि खुदारा कराची पे तरस खाओ, इस्लामाबाद में जो बैठे हुक्मरान हैं। आपकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मुझे ये बताएं, खुद किताब खुद क्यों नहीं शायरी करते? कभी लिखने की कोशिश नहीं, नहीं की? नसर तो लिखता हूँ, कॉलम भी लिखे अखबारों के लिए। और जब जेल में था मैं कई साल, अच्छा 3 साल एक मरतबा, 2 साल एक मरतबा, अच्छा 2.5 साल, 5.5-6 साल में जेल में रहा हूँ। अटक किले की यात्रा की मैंने, उसकी वहां तक मैं गया हूँ, जो सबसे सख्त जेल होती है, जिसमें 6x4x8 का सेल होता है और ग्रिल भी नहीं होती, चारों तरफ से बंद, कब्र नुमा, जैसे आपको कब्र में उतार के गया। कब्र में भी उतारने के बाद कहते हैं कि फरिश्ते आते हैं हिसाब के लिए, वहां तो 3 दिन तक मुझे उस खोली में डालने के बाद कोई नहीं आया था। फिर मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी थी, अच्छा, तो वो रोंगटे खड़ी करने वाली, लोग पढ़े, फिर भी मेरा ब्लड प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल था, आसाब ठीक है, मजबूत है, हर तरह की सिचुएशन को फेस किया है, अल्लाह आगे भी लोगों की रहनुमाई में आसाब ऐसे ही रखें इंशाल्लाह। तो किताब लिखूंगा इंशाल्लाह, बहुत सी चीजें लिखी हुई, उसको कंपाइल करना। आप इतना अच्छा गाते हैं, आप इतना अच्छा नज़्म पढ़ते हैं, आपको लिखना भी चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपको, आपके साथ बात करके सर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्रेशियस टाइम हमें दिया। तो व्यूअर्स, हम मिलेंगे आपसे अपने अगले शो में एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।